रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। रूरल पॉवर्टी क्या है और पाकिस्तान में रूरल पॉवर्टी की रेशो क्या है, इस टॉपिक के साथ मैं हूं आपका होस्ट इकबाल आरिफ नकवी और आप इकोनॉमिक्स पॉइंट देख रहे हैं। रूरल पॉवर्टी को समझने से पहले हमें वर्ड रूरल का मतलब समझना होगा। देखिए, वर्ड रूरल का मतलब एडवांस नेशंस लाइक यूके यूएस में एज कंपेयर टू डेवलपिंग इकोनॉमीज मुख्तलिफ है। वहां पर रूरल का मतलब कंट्री साइड लिया जाता है, रस्टिक का वर्ड भी इस्तेमाल होता है और बुकोलिक भी कहते हैं। जबकि डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, ऐसे ममालिक में रूरल का मतलब शहरी आबादियों से दूर आइसोलेटेड एरियाज में अलग थलग और विलेजेस में रहने वाले लोगों को हम रूरल पॉपुलेशन कहते हैं। इस रूरल पॉपुलेशन या इन आइसोलेटेड एरियाज में एग्जिस्ट करने वाली पॉवर्टी को हम रूरल पॉवर्टी कहते हैं। इस रूरल पॉवर्टी के वैसे तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं, लेकिन इस वीडियो में हम तीन मेन फैक्टर्स की बात करेंगे। नंबर वन, रूरल सोसाइटी। देखिए, रूरल सोसाइटी बजाते खुद इस चीज की रिस्पॉन्सिबल है कि वहां पे पॉवर्टी एग्जिस्ट करती है। रूरल सोसाइटी अपने आप को तब्दील ही नहीं करना चाहती, वो आमदन को या लाइवलीहुड को अर्न करने की नई टेक्निक्स, नए तरीकाकार अडॉप्ट ही नहीं करना चाहती। आउटडेटेड और पुराने माइंड के वो लोग होते हैं और वो कहते हैं कि हम जैसे हैं हमको वैसे ही रहने दें। इसलिए सबसे पहली रीजन रूरल एरियाज में पॉवर्टी की रूरल सोसाइटी है। दूसरा बड़ा फैक्टर है रूरल इकोनमी। चूंकि रूरल एरियाज के लोग आइसोलेटेड और मार्केट से अलग और दूर जाकर रहते हैं, वहां पे इनकम या लाइवलीहुड अर्न करने की इतनी अपॉर्चुनिटीज ही नहीं होती, इतने अल्टरनेटिव जराए ही वहां पे अवेलेबल नहीं होते जहां से वो इनकम को या लाइवलीहुड को अर्न करके अपनी पॉवर्टी को एलिविएट कर सकें, इसलिए वहां पे पॉवर्टी एग्जिस्ट करती है। तीसरा और बड़ा अहम और मेन फैक्टर हमारा सियासी निज़ाम या पॉलिटिकल सिस्टम है। हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में बड़े बड़े जागीरदार और फ्यूडल्स हैं। वो लोग बेसिकली तो वहीं देहात और विलेजेस से रिलेट करते हैं जहां पर उनकी बड़ी बड़ी जागीरें होती हैं और एक बड़ी बड़ी आर्मी उनके पीछे टेनेंट्स के तौर पे काम करती है। जबकि वो लोग असेंबली में जाकर बजाय इसके कि वो रूरल एरियाज की पॉवर्टी एलिविएशन के लिए काम करें, कोई लेजिस्लेशन करें, वो वहां पे अपने जाती मकासद के लिए काम करते हैं, या शायद उनका इंटरेस्ट ये होता है कि रूरल एरियाज में एग्जिस्ट करने वाली पॉवर्टी वैसे रहेगी तो लोग उनके टेनेंट्स के तौर पे, उनके मुजारों के तौर पे काम करते रहेंगे और उनकी सल्तनत और सरदारी उसी तरह कायम रहेगी। इसलिए सियासी तौर पर रूरल एरियाज को फैसिलिटीज के हवाले से, इनकम जनरेशन के हवाले से, रोजगार के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से डिप्राइव ऑफ रखा जाता है। यानी हमारा निज़ाम, हमारा सिस्टम इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं देता कि वहाँ पे रूरल एरियाज में पॉवर्टी को एलिविएट किया जाए और वहाँ पे तरक्की के मौके फराहम किए जाएं। और दूसरी बात थी कि पाकिस्तान में इस वक्त रूरल पॉवर्टी क्या है, तो पाकिस्तान में रूरल पॉवर्टी 27.6% एग्जिस्ट करती है। अगर आपका रूरल पॉवर्टी के बारे में फर्दर का क्वेश्चन है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।